नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, भाई इससे तो टॉपिक स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर ऐसा क्या है? भाई आज हम जानने वाले हैं ट्रू और फॉल्स फिश की, वास्तविक मछली और मिथ्या मछली क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है नीट की एग्जाम या अन्य कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो समझने की बात है कि वास्तविक मछलियां क्या है और मिथ्या मछली क्या है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मत्स्य वर्ग क्या है, मत्स्य क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मत्स्य वर्ग अर्थात मछलियां जो है अन्य मिथ्या मछलियों से किस प्रकार से भिन्न है, मिथ्या मछलियों से किस प्रकार से भिन्न है, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे इन मिथ्या मछलियों के डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे, मिथ्या मछली के चित्रों को देखने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे ट्रिक कि इनको कैसे याद रखे, इसके लिए एक छोटा सा जो है वो ट्रिक भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए दो ट्रिक यहां पर लिखी हुई है। अगर दो ट्रिक की बात करें तो इनमें से पहली ट्रिक देखिएगा, बड़ा सिंपल सी ट्रिक है और बहुत जल्दी याद होने वाली ट्रिक है कि तारा जैसी क्रेक व डेविल है रे स्पाइनी। तारा जैसी क्रेक व डेविल है रे स्पाइनी, भाई ये कह सकते हैं कि तारा जैसी है, तारा जैसी मेंटल है, वैसी ही वो डेविल दैत्याकार है, वैसी ही कौन है रे स्पाइनी। यहां पर दो लोगों की तुलना की जा रही है, तो इसी को आधार बनाकर जो है हम अपने ट्रिक पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है तारा, तारा मतलब तारा मछली, आपको ध्यान रहेगा कि तारा मछली या जिसको हम स्टार फिश कहते हैं ये वास्तविक मछली नहीं। दूसरे तरफ देखें जैसी, जैसी जय जेलीफिश, जे से जेलीफिश, सी से आ जाता है सिल्वर फिश जिसको हमने पढ़ा था लेपिस्मा, क्रे से क्रे की अगर हम बात करें क्रेफिश, का से हम देखते हैं कटलफिश, इस व का कोई यूज नहीं है तो इसको हटा देते हैं, डेविल फिश, है से अगर आप बात करें है से तो हेग फिश, वहीं पर रे की बात करें तो रेजर फिश, वहीं पर स्पाइनी की बात करें स्पाइनी ब्रिटिल स्टार, ये आपके जो है फॉल्स फिश हो गए। कौन कौन से हो गए? तारा मछली, जेलीफिश जिसको ऑरेलिया कहा जाता है, सिल्वर फिश, क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, स्पाइनी ब्रिटिल स्टार। आपको इनके नाम पर नहीं जाना है, ये वास्तविक मछलियां नहीं है। इन्हीं में एक और चीज मैं थोड़ा सा लिख दूं, वेल मछली जिसको हम वेल फिश अक्सर जो है इसमें धोखा खा जाते हैं। यहां पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉर्डेट वर्ग से है, लेकिन ये स्तनी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्डेटा संघ की तो है लेकिन ये स्तनी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्तनी वर्ग के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है
जिनमें मेमेली ग्लैंड्स और शरीर पर बायल पाए जाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। आपको पहली ही वाली ट्रिक पसंद आ गई होगी और इसके आधार पर आप ट्रू और फॉल्स फिश को आसानी के साथ जो है डिफाइन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।